नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहनलाल गर्ग, आयुर्वेद भास्कर आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम रक्त ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। रक्त क्या है? दोस्तों, रक्त हमारे शरीर में लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है, जिसे हम रक्त कहते हैं, और शरीर में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है। दोस्तों, रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे शरीर में वितरण करता है, जिससे हमारे रक्त में रक्त का संचार ब्लड में होता है। और दोस्तों, रक्त हमारे विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में इसका संचार करता है। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति भी अक्षमता को भी खून की सफ़ेद कणिकाओं को द्वारा प्रदान की जाती है। रक्त के भाग, दोस्तों रक्त 4 भाग में बांटा जा सकता है। नंबर 1 रक्त श्वेत कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत कणिकाएं, नंबर 3 प्लेटलेट्स, नंबर 4 प्लाज्मा। रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के रोगों को की होने से बचाती है, और जो अन्य इन्फेक्शन शरीर में होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। प्लेटलेट्स हमारे जो रक्त चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है, तो रक्त को रोकने में प्लेटलेट्स हमारे शरीर में सहायता करती है और रक्त बहने को रोकती है। और प्लाज्मा रक्त का वह तरल भाग है जो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है। रक्तदान हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में प्रतिवर्ष 80 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, जबकि कलेक्शन 60 लाख यूनिट का ही हो पाता है। आज तक रक्त का कोई भी विकल्प पैदा नहीं हुआ है।